हीट बढ़ाना ज़्यादा। सर मैं यहाँ से 3 साल हो गया सर मेरे को यहाँ पे अभी प्रैक्टिस करते हुए, मैं अपना पूरा कोशिश कर रही हूँ सर कि मेरा नेशनल में रैंक बन जाए, और अभी मेरा फर्स्ट रैंक बना है सर 50 मीटर्स है। मैं आगे कोशिश करूँगी कि मेरा नेशनल भी अच्छे से हो जाए। अर्जुन ला लक्ष्य रखो जी एक, द्रोणाचार्य की अर्जुन ला लक्ष्य रखो जी एक, और सफलता तोला जरूर मिली मिठुक आखिर देख, सफलता तोला जरूर मिली मिठुक आखिर देख। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आर्चरी एक बहुत मुश्किल गेम है, हम लोगों को आसान लगती है क्योंकि आप लोग इतने आराम से खेल लेते हैं, और बहुत ही कम पॉकेट्स में आर्चरी खेली जाती है इंडिया में, जो कि नेचुरली टैलेंटेड हैं छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा कुछ ही पॉकेट्स में इतना अच्छा से खेलते हैं, उसके बाद फिर सीधा अंडमान लक्षद्वीप उस तरफ में मिलता है आर्चरी का। आप लोगों के पास प्रतिभा है, इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, बस आप लोगों को जरूरत है दो चीज़ों की। एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये जीतना है, मुझे वो सारे कॉम्पिटिशन जीतने हैं जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दूसरा मेहनत करनी है। देखिए जब इतना सब होता है, बहुत बेसिक लेवल पे जितना मुझे पता लगा 3 साल पहले शुरू हुआ है, लोगों की एक विजन रही है कि आर्चरी बच्चे अच्छा करते हैं, सिखाने के लिए लोग तैयार हैं, तो ये सेटअप बना, ये सेटअप फ्यूचर में और अच्छा बन जाएगा। लेकिन लगेगा सबसे ज़रूरी क्या है, मेहनत। ये सब बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें, फिर कोचिंग का तो ऑप्शन है ही। तो अगर आप लोगों को वास्तव में इंटरेस्ट है और एक लंबे समय तक आपका इंटरेस्ट बना रहता है, तो आपको उस चीज पे फोकस करना है कि आर्चरी को अपने जीवन में आगे कैसे लेके जाएं, और आप लोग आगे लेके जाएंगे तो आपको दें ऐसे ताकि ये हमसे भी अच्छा करके दिखाएं। ये एक सोच डेवलप करनी है, बाकी अब धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को जो जरूरत है, और मैं तो मुझे लोकल लेवल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोकल लेवल हॉबी बन के रह जाता है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंटरनेशनल को एम करें। जो भी 19 में से इस आयोजन से जुड़ा, और मुझे ये बताने में बड़ा हर्ष होता है कि पहले लगभग 5 से 10 बच्चे 15 बच्चे ही वो पाते थे, ट्रेनिंग ले पाते थे, लेकिन अभी आज हमको खुशी होती है कि आज 50 से 60 बच्चे लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ना सिर्फ लोकल स्तर पर बल्कि नेशनल स्तर पर भी हर साल बच्चों का चयन हो रहा है। हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों, जैसा एसपी साहब ने कहा कि हमको संसाधनों को बढ़ाना है और आपके लिए एक मंच तैयार करके देना है, तो उस दिशा पर हम और मनोज भाई लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ राजनांदगांव में, अग्रह वेलफेयर फाउंडेशन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में होता है, इसमें स्वाति स्पोर्ट्स का भी योगदान रहता है। ये सर लगभग 3 साल शुरू है, तब से लगभग बच्चे 50 से ऊपर नेशनल तो खेल ही चुके हैं अलग अलग फॉर्मेट में, स्कूल कॉलेज और बाकी ओपन फॉर्मेट में तीनों में। आज एक दिवसीय प्रशिक्षण था जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा और वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा, तो एक बहुत अच्छा प्रयास था कि इन बच्चों को थोड़ा मोटिवेट किया जाए या आगे अपने खेल में निरंतरता बनाए रखें। इसमें प्राइज रजिस्ट्रेशन हुआ 30 मीटर में और 50 मीटर में, जिसमें प्रथम स्थान पर रेशमि और सृष्टि चौरसिया रहे, और बॉयस में द्रोण साहू और संतोष साहू रहे। क्या क्या एज के रहते हैं? ये 3 फॉर्मेट में होता है, सब जूनियर, सीनियर, जूनियर, ऐसा।
और स्कूल में अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं जी। आज का आयोजन बहुत ही अच्छा हुआ है और ये राह और पुलिस एकेडमी और अभिलेख अग्रहरी जी के तरफ से बहुत ही अच्छा आयोजन किया जा रहा है। इसके जो शुरुआती हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं इनकी वजह से, और हमारे जो इक्विपमेंट है और बाकी सब इनकी तरफ से पूरा उपलब्ध कराया जाता है। कब से भाग लिया मतलब? जी मैं पिछले 5 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इनका पूरा सहयोग है इसमें। आगे क्या बनने का जी? आगे मैं इंटरनेशनल खेलना चाहता हूँ ताकि ओलंपिक्स में, ताकि अपना छत्तीसगढ़, अपना राजनांदगांव छत्तीसगढ़ और अपने देश का नाम रोशन कर सकें।